नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत वड़तकर और मेरे एक्सप्लोरी डॉक्टर जयंत वड़तकर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जहां जाना कोई पसंद नहीं करता। इस जगह पर जाने के लिए कई लोग अक्सर डरते हैं, तो ये है एक एकांत में पड़ी हुई ऐतिहासिक जगह। यह सब देखकर तो आपको अंदाज आ ही गया होगा कि मैं कहां पर आया हूं और क्या दिखाने वाला हूं। सही पहचाना आपने, कब्रस्तान ही तो है ये। लेकिन घबराइए नहीं, ये कोई ऐसा वैसा कब्रस्तान नहीं है, ये है नवाबों का कब्रस्तान। कहां है ये जगह बताता हूं। विदर्भ का एक बहुत ही प्राचीन शहर है अचलपुर, जिसकी पुरानी पहचान कभी एलिचपुर तो कभी इलिचपुर ऐसी थी। इतिहास को करीबन 1500 सालों से वाकिफ है यह शहर। यहां पर वाकाटक से लेके यादव, बहामनी, इमादशाही, निजामशाही, मोगल और अंग्रेज ऐसी अलग अलग हुकूमत अचलपुर ने देखी है। अंग्रेजों की हुकूमत के पहले आज से करीबन 250 साल पहले यहां पर पन्नी मेहदवी घराने के सुल्तान खान ने नवाब घराना स्थापित किया। सुल्तान खान के बेटे इस्माइल खान अचलपुर के पहले नवाब थे, जो हैदराबाद निजाम के दीवान थे। 1764 से लेकर 1853 ईस्वी के दौरान 90 साल तक यहां पर चार नवाबों ने वराड सूबे का दीवान होने के बावजूद यहाँ के राजा जैसा कारोबार चलाया। एलिचपुर के पहले नवाब इस्माइल खान की मौत 1775 ईस्वी में हुई थी और उन्हें यहाँ दफनाने के बाद यह कब्रस्तान बनवाया गया। नवाब घराने के दूसरे नवाब सलाबत खान पन्नी ने यह कब्रस्तान बनवाया था। बाद में अगले नवाब नामदार खां के जमाने में यहाँ पर बगीचा बनवाया गया, जिसको बेवा बाग या बेवहा बाग नाम से जाने जाने लगा था। और अचलपुर में जो भी ऐतिहासिक वास्तु है उनमें से यह कब्रस्तान स्थापत्य की नजरिए से बहुत ही सुंदर है। सरमस्त पुरा में स्थित यह बेवा बाग या बेवहा बाग नाम से मशहूर इस कब्रस्तान को बाहर से परकोटा है, जो आज बहुत सारे जगह पर ढह चुका है। इस पूरे परकोटे में दो भव्य सुंदर दरवाजे थे, इसमें का बड़ा दरवाजा आज बंद पड़ा है, लेकिन पूरब की ओर से जो छोटा दरवाजा है उसमें से आप अंदर जा सकते हैं। इस दरवाजे पर लिखे हुए इस आदेश के मुताबिक यह प्रॉपर्टी यहाँ के नवाब घराने के वंशज डॉक्टर इब्राहिम खान की है।
कब्रस्तान के अंदर कई सारे पत्थर के ताबूत, कब्र और शाही परिवार के मकबरे, छोटे बड़े गुंबद है। गुंबस और उसके नीचे की कारागिरी देखकर तो मुझे विजापुर के गुंबस ही याद आ रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो गुंबस है, इसी में यह कब्रस्तान बनवाने वाले यहाँ के दूसरे नवाब सलाबत खान की और उनके बेटे और कई सारे रिश्तेदारों की कब्रें हैं। यह मकबरा और इसका गुंबस भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर जाने के बाद आपकी आवाज को इको साउंड आता है। ये इको इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि मकबरे के अंदर सुई भी गिरी तो उसका इको इफेक्ट साउंड आपको सुनाई देगा। यह है यहाँ का सबसे बड़ा गुंबस। अचलपुर का जो नवाबोका कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान में का यह सबसे बड़ा गुंबस है। मैं जो बोल रहा हूँ इसकी इको आपको सुनाई दे रही होगी, ये इसकी खास खासियत है। इसमें चुटकी भी बजे तो इसकी इको आवाज आपको सुनाई देती है। यहाँ पर लिखा है तारीख रसूला नवाब मोहम्मद सुल्तान खान बहादुर बल नवाब मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर बनी अफगानी सुलेमान से। जो मेन बात मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर बनी है ये अजलपुर शहर के मेन नवाब, ये उनके फर्जंद नहीं बने, यानी कि उनके सन है, उनके बेटे हैं जिनका नाम है सुल्तान मोहम्मद सुल्तान खान बहादुर। मोहम्मद सुल्तान खान बहादुर है, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर बहादुर बनी अफगानी सुलेमान से। ये उनके बेटे, इनके जो अब्बा की जो कब्र है वहाँ सुल्तान खान बहादुर पन्नी की ये सन है और इनका नाम है वह मोहम्मद वल्तान खान बहादुर और इनके इनके बेटे ये है, यानी कि इन ये पोते हैं इस्माइल खान के पोते बराबर है। ये इनके बेटे ये पोते हैं, ये बाकी सारी नवाब उनकी है। इस बड़े गुंबस के सामने और दो गुंबस है, उसमें के बीच वाले गुंबस में पहले नवाब इस्माइल खान की कब्र है। देखेंगे ये बादशाह के कब्र पे जाने के लिए मेन रास्ता है। यहाँ से आप देखेंगे सारी जितने कमाने बनी है ये थोड़ी सी हाइटेड बनी है। ये हाइटेड बनने के बाद में ये जो कमान है छोटी, ये यहाँ पर आने के बाद में ये कमान छोटी बनाई हुई है, क्योंकि मेन जो कब्र है बादशाह की ये यहीं पर ही है मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर पन्नी की, तो ये इस करके छोटा बनाई हुई है कि बादशाह के एजाज में पहले ही सारा इंसान का झुक जाए। यहाँ पर एक शिलालेख है जिसमें इस्माइल खान की मौत 1775 ईस्वी में हुई थी, ऐसा अरबी या पारसी में लिखा हुआ है। सुल्तान खान मोहम्मद इस्माइल खान बहादुर। इस मकबरे के पास एक बहुत ही सुंदर बेगम मजार है।
इस गुंबस और कुछ नवाब परिवार की कब्र, मजार और जायरात वाले इलाके को दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है। और इस दीवार के बाहर इसके अलावा कई सारी कब्र, मकबरे और एक छोटे आकार की मस्जिद भी है। यह है यहाँ की शाही मस्जिद। कहा जाता है कि उस जमाने में यहाँ पे रोज नमाज अदा की जाती थी, गरीबों को अन्नदान किया जाता था। इस मस्जिद के निर्माण काल के बाद अगले 100 साल तक कितनी रौनक रही होंगी यहाँ पे। लेकिन अंग्रेज जमाने के बाद यहाँ की रौनक धीरे धीरे खत्म होते गई। ये जगह वीरान और एकांत में पड़ती चली गई। यह है इस बेबाहा बाग का मुख्य दरवाजा। हालांकि यह बाहर से और अंदर से अभी बंद करके रखा है, लेकिन बहुत ही सुंदर और मजबूत है। इसके बाजू से इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ से पूरे विवाह बाग का नज़ारा दिख सकता है। समरस्त पुरा स्थित ये जो नवाबों का कब्रस्थान है, यहाँ का ये मुख्य प्रवेश द्वार है जिस पर मैं अब चढ़ के आया हूँ। यहाँ से आपको एक नज़र में पूरे कब्रस्थान का नज़ारा दिख सकता है। मेरे अब दाएं हाथ पर आपको दिखेगा सबसे बड़ा जो गुंबस है, जिसमें अचलपुर के नवाब, पहले नवाब इस्माइल खान, इनकी कब्र है, उनके बेगम की कब्र है और बहुत सारे गुंबस और कब्र यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रवेश द्वार पे चढ़ के
अपन देखते हैं कि ये कब्रिस्तान यहाँ से कैसा दिखता है। कब्रिस्तान के अंदर एक कुआ है जो बारादरी नाम से जाना जाता है। इस कुएं के बारे में कई सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। कई लोग बोलते हैं कि इसमें खजाना छुपा हुआ है और रात में इसके पास जाना खतरनाक है। इसमें से रात के समय बड़े कुत्ते बाहर निकलते हैं। ऐसी किंवदंतियों के बावजूद गुप्त धन के लालच में कुछ लोग यहाँ पर आकर खुदाई करते हैं। एलिचपुर में नवाबों के जमाने में करीबन 52 पुरे यानी कि इलाके थे। उसमें का सरमस्त पुरा जो गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, यहाँ पर विवाह बाग स्थित है। यह है विवाह बाग का उत्तर की ओर खुलने वाला बड़ा दरवाजा। इसे अंदर से तो आपने देखा ही है, हालांकि ये बाहर से और अंदर से अभी बंद करके रखा है, लेकिन बाहर से बहुत खूबसूरत है। यहाँ की बेदखल कब्रें और मज़ार देखकर मुझे आज अजीज नाजा की एक बहुत ही मशहूर कवाली याद आ रही है। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सरा ये फानी है, आपने सपने तो ये सुनी होंगी। तो ऐसी कहानी है इस वीरान कब्रिस्तान की। तो दोस्तों, आपको ये जगह कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये फ्री है। तो फिर मिलते हैं और एक अनजान नई जगह पर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।